वैसे तो प्रत्येक दिन सामान्य ही होता है, लेकिन कल का दिन आप सभी लोगों के लिए विशेष है। न केवल आपके लिए विशेष है बल्कि हम सभी लोगों के लिए विशेष है। कल परीक्षा की घड़ी है, जिस परीक्षा का आपने इंतजार भी किया है और इसके लिए आपने तैयारी भी की है। या तो आप एग्जाम सेंटर के लिए निकल चुके होंगे या तो निकलने वाले होंगे, क्योंकि गृह जनपद के आसपास ही आपके एग्जाम सेंटर बने हुए हैं। 15 लाख से ज्यादा लोग परीक्षा दे रहे हैं, लेकिन सफल वही होगा जिसने इस परीक्षा को सपने के रूप में जिया है, जिसने इस परीक्षा को सपने की तरह लिया है। लेखपाल बनने का सपना, वीडियो बनने का सपना, जूनियर असिस्टेंट बनने का सपना, या अपने माँ बाप को सरकारी नौकरी देने का सपना, अपने भाई बहनों के लिए आपने जो सपना देखा है उस सपने को साकार करने का दिल बेटा कल है। 15 लाख लोगों में से आप कैसे अलग होंगे, कैसे आप सिलेक्शन वाले कैंडिडेट कहलाएंगे जब आप उन सबसे थोड़ा सा अलग सोचेंगे। बहुत सारे लोग परीक्षा देने निकले हैं, आपको सकारात्मक रहना है। यह 120 मिनट आपके जीवन के सबसे महत्वपूर्ण 120 मिनट है। अपने माता पिता का आशीर्वाद लेके, ईश्वर को मन में ध्यान रख के आप तेजी से आगे बढ़े। यहां तक पहुंचने के लिए 25 वर्ष आपने अध्ययन किया है, 25 वर्ष की पढ़ाई लिखाई और मेहनत के बाद, ये मत सोचिए कि हमारी तैयारी कम है, 25 वर्ष तैयारी की है तब इस परीक्षा को देने के काबिल हुए हैं। लगभग सब 20 से 25 वर्ष तैयारी कर चुके हैं इस परीक्षा के लिए, और आज इस 25 वर्ष की तैयारी का रिवार्ड लेने का समय है, इसका इनाम लेने का समय है। अपने आप को थोड़ा भी संयमित यदि आपने रखा तो ये इनाम निश्चित रूप से कल आप सभी को मिलेगा। सब आपको विजयी होते हुए देखना चाहते हैं, घर परिवार रिश्तेदार दोस्त यार, हम सब गुरुजन, हम सब लोग चाहते हैं कि कल आप विजयी हों। और विजयी होने का मतलब क्या है, अच्छे अंक अर्जित करें। उन 120 मिनट में आपको अपने जीवन का सर्वश्रेष्ठ देना है। सबसे पहले अपने अंदर वो इरादा पालिए, वो क्षमता पालिए, उस क्षमता को महसूस करिए कि आप इस परीक्षा में 80 प्लस अंकों को अर्जित कर सकते हैं, आप इस परीक्षा की चुनौती का सामना कर सकते हैं। एटीट्यूड मैटर्स, सारा खेल आपके एटीट्यूड का है, सारा खेल आपकी गंभीरता का है, सारा खेल आपकी इच्छा शक्ति का है। इच्छा शक्ति से पहले सिलेक्ट हो जाइए, आप उस इच्छा शक्ति को मन में लाइए कि हाँ हम सिलेक्ट हो सकते हैं, ना केवल सिलेक्ट हो सकते हैं बल्कि 80 प्लस अंकों को भी अर्जित कर सकते हैं। ईश्वर हमेशा मजबूत इरादों के पक्ष में होता है बेटा, सारी सकारात्मक ऊर्जाएं उसी के साथ जुड़ती हैं जो मजबूत इरादे वाला होता है, और अगर आप सकारात्मक हैं तो कल सारी सकारात्मक ऊर्जाएं आपके साथ जुड़ेंगी, हम सब लोगों की वेल विशेज आपके साथ जुड़ेगी। मैं आपके पेपर को अच्छा होता हुआ महसूस कर रहा हूं, मैं कल आपके उज्जवल कल को देख पा रहा हूं, मैं महसूस कर रहा हूं कि मेरे लाल ने कल के पेपर को बहुत अच्छा किया है, मेरा लाल कल के पेपर को बहुत अच्छा कर रहा है। जब शाम को हमारी आपकी बातचीत होगी तो आप ये कहेंगे, मुझे पूर्ण विश्वास है कि हमने इस पेपर को सर बहुत अच्छा किया, बहुत शानदार किया। हम सभी लोग आपसे यही चाहते हैं, पूरी टारगेट बतालुक ऑनलाइन टीम आपसे यही चाहती है। तो इसके लिए खूब घनघोर मेहनत करिए बेटा। सबसे पहले अपने आप को एकाग्र रखिए, संतुलित करिए रखिए, अब पढ़ाई लिखाई से दूर हो जाइए, बिल्कुल आराम से हल्का फुल्का खाना खा के रात में, और अपने आप को बिल्कुल रिलैक्स करते हुए कोशिश करिए कि सेंटर पर कैसे पहुंचना है। 10 से 12 पेपर है, 3 से 5 पेपर है, सेंटर पर 1-1.5 घंटा पहले ही पहुंचने की कोशिश करिए। लास्ट टाइम का इंतजार मत करिए कि हम अंतिम समय पर सेंटर पर पहुंचेंगे, नहीं, पहले ही सेंटर पे आप पहुंच जाइए। जो भी आवश्यक सामग्री है, जैसे आपको 2 ब्लैक पेन, फोटो आईडी कार्ड, प्रवेश पत्र, सभी आवश्यक सामग्री को शाम को ही रख लीजिए। किसी भी तरह का तनाव आज की रात में मत लीजिए, आप सर्वश्रेष्ठ हैं, आपने जो तैयारी की है वो भी सर्वश्रेष्ठ है। आपको केवल कल जाकर अपनी परीक्षा हॉल में उन 2 घंटों को इंजॉय करना है जबरदस्त तरीके से, बिना दबाव के, और आप देखिएगा रिजल्ट आपके पक्ष में होगा, ऐसा हम सब लोग महसूस कर रहे हैं। और जो चीजें हम लोग महसूस करते हैं वो चीजें सही होती हैं, क्योंकि हमें पता है मेरे लाल ने बहुत मेहनत की है, अथक प्रयास किया है आपने इसके लिए। हल्का फुल्का खाना खा के अपने आप को बिल्कुल संयमित तो रिलैक्स करने की कोशिश करिए। किसी से अपनी तुलना मत करिए कि उसने इस कंटेंट को पढ़ा, हमने इस कंटेंट को नहीं पढ़ा, आपने सब पढ़ा है,
जितना जरूरी कंटेंट था आपने पूरा पढ़ा है। किसी को देख के ना तो परीक्षा हॉल के आसपास ना परीक्षा में कोई क्या रिवाइज कर रहा है, आप बिल्कुल रिलैक्स और फोकस्ड होकर जो आपका कंटेंट है उसी पर फोकस्ड होकर। कभी कभी क्या होता है कि जब हम पेपर शुरू करते हैं प्रारंभ में हम किन्हीं सवालों में उलझ जाते हैं तो फिर हमें लगता है कि अब चीजें ठीक नहीं है। नहीं, स्मार्ट वर्क करिए। अगर किसी सवाल में आप उलझ रहे हैं उसको स्किप करिए, आगे बढ़िए। कभी कभी लास्ट समय में स्मार्ट रणनीति और स्मार्ट वर्क से भी बड़े बड़े मैदान जीते जाते हैं। हो सकता है कि शुरू के 10-15 मिनट आपके अच्छे ना हो, लेकिन 10-15 मिनट अगर आपके अच्छे नहीं है तो इसका मतलब है कि आपके पास 120 मिनट है। 120 मिनट में से अगर पहले 15 मिनट या बीच के 15 मिनट आपके अच्छे नहीं है तो 105 मिनट आपके सर्वश्रेष्ठ हैं, और इस परीक्षा में अच्छा करने के लिए 100 मिनट की जरूरत है। अगर 100 मिनट भी आपने शानदार कर दिया तो 100 क्वेश्चन आपके हो गए। तो अगर बीच का कोई समय आपको डिस्टर्ब करे तो घबराने की जरूरत नहीं है। सोचिएगा, उस 5 मिनट के फेज को निकालिएगा, अपने आप को कूल काम और रिलैक्स रखिएगा और उस तरीके से आगे बढ़िएगा। कल जब आपका पेपर होगा उस पेपर के बाद हम सभी लोग निश्चित रूप से मिलेंगे, बातचीत करेंगे, आपको पेपर का सॉल्यूशन कराएंगे, ऑथेंटिक आंसर शीट देंगे और आप कहेंगे सर पूरा पेपर आपको यहीं से मिला है जो टारगेट बतालो ऑनलाइन इंस्टीट्यूट ने आपको पढ़ाया है। मैं इस चीज की गारंटी आपको देता हूं। आज से 2 माह पहले जब हम कुछ सदस्य हम लोगों से जुड़े थे निर्माण बैच के रूप में, तो हमने कहा था कि जितना हम कह रहे हैं हम आपको उससे ज्यादा ही देंगे। निर्माण बैच के सभी सदस्यों को मैं यहां पे एक चीज बताना चाहता हूं कि ये 60 दिन निर्माण के बहुत मजबूत शब्द से हम लोग जुड़े थे। इन 60 दिनों में हमने आपको क्या दिया, हम आपको इसलिए बता रहे हैं क्योंकि बहुत सारी बातें होती हैं। हम देखिए, हमने 500 प्लस लाइव वीडियो कक्षाएं आपको दी, हमने जो नोट्स आपको कमिट किए थे वो पीडीएफ वन लाइन नोट्स दिए, 70 से ज्यादा प्रैक्टिस सेट हमने आपको क्लासेज में दिए सभी सदस्यों ने मिलकर, चैप्टर वाइज आपके डाउट सेशन हुए, संभावित प्रश्नोत्तर श्रृंखला हुई, एक स्तरीय टेस्ट सीरीज हुई, लाइव मैराथन कक्षाएं हुई और संपूर्ण कोर्स रिवीजन हुआ। इन 60 दिनों में हमने एक भी दिन आपको खाली नहीं छोड़ा, चाहे वो रक्षाबंधन का दिन हो, चाहे वो 15 अगस्त का दिन हो, चाहे वो छुट्टी का दिन हो, चाहे वो रविवार हो, कभी भी हम पूरे सदस्यों ने, पूरी टीम ने आपको खाली नहीं छोड़ा। क्यों? क्योंकि हमें मालूम था कि हम इस महत्वपूर्ण शब्द से एक दूसरे से जुड़े हैं और ये शब्द हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है। इन 60 दिनों में हम पूरी टीम ने, टारगेट बतालो ऑनलाइन इंस्टीट्यूट ने आपके साथ अथक प्रयास किया। हम प्रत्येक बैच के साथ इतनी ही अनुशासित मेहनत करते हैं और आगे भी हम प्रत्येक बैच के साथ इतनी ही अनुशासित मेहनत करेंगे और इस मेहनत का परिणाम कल आपको आपके पेपर में दिखेगा। उत्तर प्रदेश के जितने भी अभ्यर्थी टारगेट बतालो ऑनलाइन इंस्टीट्यूट से जुड़े हुए हैं, हमने 5 अगस्त से लेकर लगातार आज 23 अगस्त तक हमने आपके लिए भी कार्य किया। आज सुबह भी संदीप सर और गौरव नरेंद्र सर ने आपको आज भी प्रैक्टिस कराया। केवल बैच के लिए सदस्यों के लिए ही नहीं, पूरे प्रदेश से जितने सदस्य जुड़े हुए हैं हमने सबके लिए प्रयास किया और आपका यही 15 दिन का जो प्रयास है यही आपकी परीक्षा में मैटर करेगा और लोगों से आपको आगे करेगा। आप इस टीम का मनोबल बढ़ाए रखिए, यह पूरी टीम, इनका पूरा जीवन हम सबका आपके लिए न्यौछावर है। हम हमेशा आपको पढ़ाते रहेंगे, हम हमेशा अच्छे कंटेंट को आपसे शेयर करते रहेंगे, हम आलोक सर के कुशल निर्देशन में हमेशा अनुशासित रहकर जो भी आपकी परीक्षा की आवश्यकता है उसको पूरा करेंगे। पूरी टारगेट बतालो ऑनलाइन टीम की तरफ से कल के पेपर में शामिल हो रहे सभी सदस्यों को ढेरों शुभकामनाएं। हम सभी कल सुबह से ईश्वर से प्रार्थना करेंगे कि कल मेरे लाल का जो दिन है वो बहुत अच्छा हो, सर्वश्रेष्ठ हो, वो अपने सपने को पूरा कर सके, वो अपने माता पिता के सपने को पूरा कर सके। विश्वास मानिए, मैं महसूस कर रहा हूं आपको अच्छा करते हुए, मैं महसूस कर रहा हूं कि मेरा लाल पेपर अच्छा कर रहा है। मैं आपको उज्जवल भविष्य की कामनाएं करते हुए कह रहा हूं कि कल का दिन आपका बहुत अच्छा होगा, क्योंकि ये मेरे अंदर महसूस हो रहा है, मेरी पूरी टीम के अंदर महसूस हो रहा है। इन्हीं बातों के साथ मैं कल के पेपर की शुभकामनाएं देता हूं। और बहुत सारे लोग मुझसे पूछते रहते हैं कि सर तुक्का मानने की प्रक्रिया क्या है। कोई चीज तुक्का नहीं होती। हाँ, एक चीज जरूर कह रहा हूं कि जो विकल्प आप तुक्का मारते हैं उसमें सी और डी विकल्प के सही होने की बारंबारता अधिकतम होती है। तो जब तुक्का मारे तो कोशिश करिएगा कि सी और डी विकल्प को आप ज्यादा चुने। यदि कंफर्म नहीं है तो,
और आपको लग रहा है कि यहाँ पे हमें कुछ इनोवेशन करना है तो सी और डी विकल्प को आप चुन सकते हैं। मैं कल की परीक्षा के लिए पूरी टीम की तरफ से आप सभी लोगों को ढेरों शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं और साथ ही साथ ही वादा करता हूं कि आने वाली 30,000 वैकेंसीज जो आपकी हैं उन वैकेंसीज के लिए भी इसी अनुशासन से हम लोग आगे बढ़ेंगे। एक एक कदम जो कमिटमेंट आपसे होगा उस कमिटमेंट को अक्षरशः न केवल पूर्ण करेंगे बल्कि उससे ज्यादा ही आपके लिए करेंगे। कल की परीक्षा की ढेरों शुभकामनाएं, मां सरस्वती की कृपा आप सब पर बनी रहे। पूरी संस्था की तरफ से मैं कल की परीक्षा की शुभकामनाएं आपको प्रेषित करता हूं। रिलैक्स रहें, इजी रहें, आवश्यक सामग्री को रख लें और आज रात में हल्का भोजन करके सोएं। कल सेंटर पर तय समय से एक घंटे पूर्व पहुंचे और माता पिता का आशीर्वाद, वो साक्षात ईश्वर है आपके लिए, उनके आशीर्वाद को मन में रख के, और ईश्वर कल आपके साथ है। ईश्वर हमेशा मजबूत इरादों के साथ होता है। मुझे पता है मेरा लाल कल सर्वश्रेष्ठ करने वाला है। कल हम सभी बहुत खुश होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। जाओ बेटा, जाओ खेला कर दो। कल खेला हो गए, हमें मालूम है कल बेटा तुम 80+ का खेला करके आओगे। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।